जलाल दे कुरान दी पहली सूरा फातिहा पढ़िए बात समझ के अंदर आ जाएगी। अल्लाह फरमाते ने अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुते रहो कोई गल ही रोदे गुजरी जाने जागद्या दे भी लंघ जाने सुत्या दे भी लंघ जाने ना बोलिया दे शर्मा दी ना तुहानू। अल्लाह 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 सो जलाल वाले इकराम ने कुरान दी पहली आयत दे अंदर समझाया खलीफा उस अल्लाह वास्ते जो रब ए जहाना दा की माना दो लफ्ज़ अल्लाह ने दे अंदर भी इस्तेमाल कीते ने। अल्लाह दे कुरान दी जड़ी आया करीमा मैं पढ़ी ओ दे अंदर भी अल्लाह ने एही लफ्ज़ इस्तेमाल कीते फरमाया इनल्लज़ीना कालू कामो تتنزل عليهم الملائکہ। اللہ ذوال جلال والاکرام فرماندے نے او لوگ جنہاں نے کہہ دتا ساڈا رب اللہ وے ایتھے فرمایا جنہ او تعریف اس رب واسطے اس اللہ واسطے جڑا رب پورے جہاناں دا حضرات مانا جانیے تے سمجھیے اللہ نو رب مننا تے رب من کے راضی ہوندا کی مطلب ہے قران دی پہلی ایت دس دیے رب دا مانا ہوندا جے پالن والا رب دا माना उन्दा जे अता करने वाला रब दा माना उन्दा जे हर चीज दे निजाम नु चलाने वाला रब दा माना उन्दा जे अर रहमान रही जेड़ा कायनात उते मेहरबानियां करदा ओनु रब कहया जांदा वे। अल्लाह ही सारियां नु पालने वाले नहीं कि अल्लाह सुल जलाल वल इकराम भी मेहरबान है ते हजरत साहब तुहाडियां भी दुआवां ने हजरत साहब बुजुर्गां दियां भी नजरे करम ने आए अल्लाह नु रब मनिया ते गैरां वल भी निस्बतां करनी अल्लाह नाल बेवफाइयां करनियां ते तुसा बोलना अल्लाह 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 ना बोलो फिर कोई गल नहीं पर तुहानू बुलावांगा ते तुहाडी जान छड्डांगा। अल्लाह अल्लाह तो जो फरमाओ गल समझण वाली है समझा के फिर तुहानू मैं चाहना तुहाडा दिल दिमाग जिस्म सने इत्थे आ जाओ। रात तुसा ताक रात इबादत कीती है इस वास्ते उत्थे ही अजे तुसी फिरदे हो पे मैं भी तुहाडे नाल जागदा रहा मैं कहड़ा सुत्ता रहा वा लेकिन हजरात इत्थे हुण जागना पैणा थोड़ी देर वास्ते जुमे तो बाद फिर कोई हिसाब लावांगे हाजी साहब सौंदा हुण तरह जागण की कोशिश करो। अल्लाह 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 जलाल वाली कराम ने कुरान के अंदर जड़िया बातें बयान फरमाइया अल्लाह नु मन लिया वे फिर अल्लाह नु अपना रब भी मन लिया ते रब मन के राजी भी हो गया वे। ए गल जड़ी है तेरे मेरे पेड़ पल्ले पै जे समझ दे अंदर आ जे कामयाबी है कामरानी है इमाम की दौलत संभाल लवेगा। हजरात तवज्जो फरमाया जे इन लफ्जा के अंदर माना की है रब नु मनिया है रब नु अल्लाह नु अपना रब किवें मनिया है कुरान आंदा वे वसा करिया इस नादार रब्बहू हजरत ज़करिया भी अल्लाह नु मंदे ने लेकिन जदों दुआवां करन दियां लोड़ा पईआं ने इस नादा रब्बहू अल्लाह ताला दे कोलो रब लफ्ज़े रब दे नाल पे सवाल करदे ने रब्बे हबली मिन सालीन हजरत इब्राहिम अली सलाम औलाद दा सवाल करदे ने पे ते लफ्ज़े रब दे नाल करदे ने पे हला ओह भी अल्लाह नु मंदे ने लेकिन अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इस लफ्ज़े रब दा माना समझाया वे लोगो पालने वाले नू रब कहा जांदा है ओ सिर्फ कौन है अकीदा बनाओ जा करो मैं तुहानू सौ नहीं जे देना ओए सारी कायनात नू पालन वाले नू रब कहिंदे ने ते ओ कौन है ओ अल्लाह वे ओ अल्लाह दी जात है एवें अल्लाह दे नबियां नू औलादा दितियां ने रब ने ते औलादा देन वाला कौन है अल्लाह। ऐ माना जे अल्लाह नू रब मनंदा अल्लाह सुल जलाल वाले कराम दे कुरान नू जितों ही पढ़ेगा अल्लाह दी कसम ए लफ्ज़ दा माना तेनू समझ आएगा। अल्लाह सुल जलाल वाले कराम दा कुरान एक और मुका फरमाया वा ज़करिया इज़ नादा रब्बहू इत्थे भी लफ्ज़े रब आया वे अगला मुका मैं तेनू पढ़ के सुनावा वा अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अज़ुर्रु वा अंता रहमुर राहिम बीमारियां रब्बा जुड़ गई ने एदियां शिफावां मेरे रब्बा तू ही अता करनिया ने शिफावां दा मालक कौन है अल्लाह नू मने है अपना रब यानी शिफावां देन वाला मने है बीमारियां भी ओ ही लांदा ते शिफावां भी ओ ही दिंदा है रिजक भी ओ ही अता करदा है औलादा भी ओ ही देदा बेटा या जी आ मुबारक होवे जी बिल्कुल मुबारक होवे बस बुजुर्गां दी नजरे करमे नाल अल्लाह 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 नाल बेवफाइयां भी नहीं करनियां ते अल्लाह ताला दे हक दे अंदर बुखल भी नहीं करना। हजरात वेखो ना ऐसा जनाब की हालात बना लेने रब नू रब मन के राजी हुंदा
मतलब पता की है। और जे अल्लाह ताला औलाद देवे ते तावी राजी आ, अगर ना देवे ते तावी राजी आ, अल्लाह माल दी फरावानी देवे ते तावी राजी आ, अगर ना देवे ते ता ओनू अल्लाह नू जो रब बने आवे ओनू मान ले आवे। उन दुकान दे अंदर फोटोआं लाम दी लोड़, तस्वीर लाम की लड़ कोई नहीं। हजरात तस्वीर लाइया सवेरे सवेरे सिखा दे साफ कर दौ पे, बरकत वास्ते साफ करने, ये बरकत वास्ते साफ कर दिया। बुजुर्गों दस्वीर के न दुकान के अंदर बरकत आंदियां ने पैया, बेटा हो गया वे बुजुर्गों दजरे करम है। हजरात वो खुशी मिल गई है, बस थोड़िया दुआवा की तुफैले न बुजुर्गों की नजरे करम है ना। जे डाकू पै गए, चोर पै गए, अल्लाह ना करे किसी की दुकाने ऐसा काम हो जाए, फिर की आंदे ने अल्लाह की मर्जी। चोर पै गए ते अल्लाह की मर्जी है, पुत्र फौत हो गया ते अल्लाह की मर्जी है, बाबे होरी अस्पताल पै गए ने ते अल्लाह नू एवें ही मंजूर सी। जदों काम चलदे रहे ते निस्बतां खैरां वल्ले, जदों काम टट गए ने जदों नुकसान होया ते गए आ निस्बतां अल्लाह की तरफ कर दित्तियां ने। ऐ बंदा जिहड़ा है इहने अल्लाह नाल बेवफाइयां कीतियां जे इहने नहीं जाने अपने रब की जात नू। वमा कदरुल्लाह हक्का कदर ही, लोगो अल्लाह की कदर करनी है जिवें उहदी कदर करने दा हक। रजी तो बिल्ला है रब्बल, अल्लाह नू अपना रब मन के राजी होंदा माना एही है ना। इसदा देन वाला भी ओही अल्लाह जे, और इसदा ते जिलता दे अंदर तब्दील करन वाला भी ओही रब है, और रिजक देन वाला भी ओही रब है। ये सारिया चीजा जड़िया ने रब अता करदा है, और ये सारिया चीजा दा मालिक अल्लाह वे। मैं हर चीज दे इख्तियारात अपने रब नू दे दित्ते ने, और मेरा रब अल्लाह वे, ये माना ये लफ्ज़ दे नाल। हुण जिवें जिवें निजाम अल्लाह जुल जलाले वाले कराम ने बनाया है, उस तरह ये नहीं कदी भी कहता अता ते अल्लाह ही करता है, पर दुआवां दुआवां नहीं सुनता, वसीला पाना पैंदा है बेवफाइयां ने रब दे नाल। ओए रब सुनता भी है ते अता भी करदा है, जे अल्लाह नू मनिया ही ते फिर ओनू मन के राजी होंदा कि वी अदा करिया करना। रसी तो बिल्ला है रब्बल, आ तेरा जनाब किरदार भी साबित करे ते तेरी जुबान भी ए बात दा ऐलान करे। आई हजरात और फरमाइए, पहली बात है वे अल्लाह नू रब मन के राजी होना, रब मनना पहली गल, रब मनना सारे इख्तियारात दा मालिक ओनू मनना वे। फिर मन के ओ जिवें जिवें सलूक करदा ओदे ते राजी रहना, गिले नहीं करने, शिकवे नहीं करने, और अच्छाइयां दी निस्बत गारां वल नहीं करनी। अल्लाह अल्लाह थोड़ा दे ज्यादा दे, बस तेरा शुक्रिया, तेरिया मेहरबानियां, तेरा करम है। अल्लाह अल्लाह गंदियां बंदियां दे अंदर सोने रब दे शिकवे करने, बोलो बोलो सोने रब दे शिकवे करने। कोई बंदा दुनिया का किसे नू कोई लख पंजा जेब च पा के बैठा होए, आ रब दे शिकवे कर मेरे सामने दस, तेरे हालात बड़े माड़े ने, कारोबार नहीं चलता पिया, हुण इस तरह कर मैं तेनू दस भी पंजा हजार दे देना। लै लै एवें कोई नहीं जी हुंदा, आ लोग तेरे मेरे गिले सुनते ने, तेरिया मेरिया गल्लां सुनन तो बाद हसते ने, मजाक करते ने, खुश हुंदे ने, अगे तेरिया गल्लां करके तेरे बारे अंदर कहिंदे रोंदा ही पिया। हुण ओए अल्लाह दे बंदे उस रब दे नाल यारियां ला, उस रब दे नाल अपने मामलात नू जोड़ लै। रसी तो बिल्ला राजी हो जा उसकी अता दी उते, उदी अना दी उते, जेडे हालात भी बन जांदे ने। हजरात गल चल पई है ते सुन लो नाल, अल्लाह ले इक हदीस मैं इत्थे तुहानू सुनाना चाहुंदा जे, बड़ी कीमती ते बड़ी प्यारी हदीस तुहाडी खिदमत दे अंदर आ गई है। जगां दे पीर रब दे हबीब अली सलाम दे सहाबी सैयद हजरत अनस रजी अल्लाह तआला बयान करदे ने, और अल्लाह दी इज्जत दी सही किताबत सिया सिता दी आ, सिया किताबा दे अंदर पंजा किताबा दे अंदर रवायत मौजूद है। मुस्लिम सुने नसाई बने माजा अबू दाऊद और जनाब तिरमजी दे अंदर यह रवायत मौजूद है, और अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलाम दे सहाबी सैयद हजरत अनस रजी अल्लाह तआला बयान करते हैं। बल्कि नहीं यार भुलेखा लग गया, सिर्फ सुनन तिरमजी और मुस्तदरक हाकम दे अंदर दो किताबा दे अंदर वाल, और सही सनद दे नाल है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलातो सलाम दे सहाबी हजरत अनस बयान करते हैं, आंदे ने काल قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمه رضي الله تعالى عنها। मैं ओ गल तुहानू सुनान लगा जे जड़ी इमामे कायनात अली सलाम ने अपनी बेटी नु समझाई है। हालात माड़े चंगे आंदे रहंदे जे, दुख तकलीफां भी आंदियां रहंदियां जे, और ओ कलिमात मैं तुहाडे सामने बयान कर लगा जे। अल्लाह दी कसम है जदों मेरे पैगंबर नु नामुमकिन हालात नजर आए ने, मेरे पैगंबर ने सजदे दे अंदर पै के कलिमात के, अल्लाह ने ओ हालात
मुमकिन बना दिता। एक पासे 313 सन, इन्हां दे कोल असलिया भी पूरा कोई नहीं, इन्हां दे कोल सिरा भी कोई नहीं, किसी दे कोल ढाल कोई नहीं, किसी दे कोल तीर कोई नहीं, तलवार कोई नहीं, हालात बड़े माड़े। ते दूसरे पासे 1000 दी तदाद पूरियां तैयारियां दे नाल आए ने, इधर माड़े ते तगड़े, उधर तगड़े तगड़े ते बड़े नौजवान आए ने। मेरे पैगंबर अलैहि सलाम सजदे दे अंदर पै गए, जेड़े कलेमात अपने रब दे नाल गल्लां करदियां के ने, ओ कलेमात मेरे पैगंबर ने अपनी बेटी नूं सिखलाए ने। हर नबी अलैहि सलातो सलाम फरमांदे ने, ए मेरी बेटी माहियम ना ओ की अंतस्माई माउसी की बेही अंतकूली ईसा असबाती वैदा अम सईती। और डस्के दे बासियों सुनो, ए हदीस इतनी जानदार शानदार और कितना वजन होएगा इस हदीस दे अंदर, जो मेरे पैगंबर अपनी बेटी नूं कह रहे ने। प्यारी बेटी फातिमा गल सुन लै, किसे चीज नूं भुल जे बेशक भुल जे, लेकिन ए मेरी वसीयती इनू कदी भुलाना नहीं, लाजमी तौर ते इहदा ख्याल रखी। मैं तेनू वसीयत करना, कोई शायद पढ़न दे अंदर तेनू रुकावट ना बने। सुबह करे ते तावी ए कलेमात किया कर, शाम करे तावी ए कलेमात किया कर, मामला दे अंदर बेहतरियां आ जाणगियां। आए मैं ते अपनियां मावां बहनां बेटियां नूं इह वी गल कहांगा, अपनियां बेटियां नूं घरों तोरन लगियां, इह जो कहिंदियां जे सहुरे जाके थल्ले ना लग के रही, उहनां दे आके ना लगदी रही, एवें ना नौकरानी बन के रही। असीं बड़े घर वाले आ, बड़े नाम वाले आ, ऐसियां बेटियां नूं बातां समझा के आप उहनां दे घरां नूं बर्बाद करन दी बजाए, जो मेरे पैगंबर ने अपनी बेटी नूं दे के तोरिया, तू भी अपनी बेटी नूं आ दौलत दे के तोरना। आ दुनिया दियां दौलतां दे नाल घर आबाद नहीं जे हुंदे, आ दुनिया दियां मालां दे नाल सुख सुकून नहीं जे मिलदे, दुनिया दियां दौलतां ते जहेजां दे नाल अल्लाह दी कसम अगले घर दे अंदर इज्जत नहीं जे मिलदी। इज्जत ते मेरा रब ही अता करदा है नाल। इमामे कायनात फरमांदे ने, बेटी फातिमा जो मर्जी हो जाए मेरी इस वसीयत नूं याद रखी ते कदी ना भुली। सुबह ते शाम दे वेलिया दे अंदर कलेमात पढ़दी रही, कदी दुख नहीं आएगा, कदी परेशानी नहीं आएगी, कदी तेरे काम जड़े ने उहनां दे अंदर तकीर नहीं होएगी। कलेमात बड़े आसान ने, या हय्यो या कय्यूम बे रहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आईन। मेरे पैगंबर अलैहि सलाम ने फरमाया, सुबह ते शाम दे वेलियां दे अंदर इन्हां कलेमात दे नाल अपने रब कोलों मदद मंगिया कर, या हय्यो या कय्यूम बे रहमतिका अस्तगीस। ए जिंदा रहने वाले, दुनिया दे निजाम नूं कायम रखने वाले, मैं तेरी मदद तेरी रहमत दे नाल तेरे कोलों मदद दे सवाल करनी आ करनी आ करना वा। अल्लाह अल्लाह असले ली शानी कुल्लहु, मेरे सारे मामला दी इसलाह कर दे। वला तकिली इला नफसी तरफत आई, एक लम्हे वास्ते भी, एक लम्हे वास्ते भी अख चपकन दे बराबर दे वक्त दे अंदर भी अल्लाह सोनिया मैनू मेरे नफ्स दे हवाले ना करी। मेरे मामला जो जिते मेरा ज़ेहन बनिया वे कई तू मेरा मामला हल होएगा। अल्लाह कदी भी मैनू मेरे मामलात नू मेरे नफ्स दे हवाले ना करी। अल्लाह मैं तेरी रहमत दा तलबगार, अल्लाह मैं तेरी रहमत दा सवाली। इमामे कायनात ने जेड़े कलेमा सिखा दिते ने, इहनू अपनी जिंदगी दा हिस्सा बना ले, अपनी औलादा नूं याद करवा ले। अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, सुबह शाम पढ़ना तेरा काम है, सारे मामलात नूं आसान कर देना अर्श वाले रहमान दा काम है। अल्लाह अल्लाह रसी तो बिल्लाह रब राजी हो जा अपने रब दे एहसाना दे उते। वाबिल इस्लाम दीना ते जेड़ा अल्लाह ताला ने तेनू मैनू दीन अता फरमाया। नमाजी सूरत दे अंदर अल्लाह अल्लाह तहसील दे अंदर जाऊंगा ते वक्त इत्थे ही मुक जाएगा। अल्लाह दे पैगंबर ले सलाम दे कोल जबरील आए, नाल आके सवाल कीता इस्लाम दे मुतल्ले। आका फरमांदे ने, अल इस्लाम अम तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व तुकी नमाज पढ़े अल्लाह दी वहदानियत दी गवाही आमिना दे लाल अली सलाम ते ईमान। और उस तो बाद नमाज पढ़नी है, अपने माल दी अंदरों ज़कात देनी है, रमजान मुबारक दे रोजियां दी कदर करनी है, रोजे आए ने इन्हां दे अंदर कुरान पढ़ना वे। अल्लाह अल्लाह नमाज दी चोरी करनी, तरावियां दी अद्धे बोल दे जे, तरावियां दी पढ़नियां, अल्लाह अल्लाह पता लग जांदा शाम वेले किन्ने बंदे हुंदे ने मस्जिद दे अंदर,
यह नहीं फरमाया चलो पढ़ लिया करो गुजारा कर लिया करो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वह बंदा अल्लाह की रहमत तो दूर है जिड़ा बख्शिश नहीं हासिल कर सकता। अल्लाह इन्हें भी कहते चलो रोजे रखी जा तुहाडे ते फर्ज है। अल्लाह ने फरमाया मैं ते दरवाजे भी बंद किए ने जहन्नम दे तुहाडे वास्ते, दरवाजे खोले ने जन्नत दे किदे वास्ते? अल्लाह तुहानू लै जे आई नू जाना जे बोलो तुसी। जन्नत दे दरवाजे इन्नी रब ने तकीद की है शैतान नू बन दिता ते असी फिर भी बजे असी फिर भी उत्थे दे उत्थे आ। अल्लाह ने जन्नत दे दरवाजे खोले ते जहन्नम दे बंद किए। को तू ही कोई दरवाजा बंद किया कोई गलती छड़ी कोई गुनाह छड़िया? अल्लाह ने जन्नत खोले तू ही कोई वास्ते कोशिश की है। फरमाया असल दे अंदर कामयाब वो बंदा जिन्हों पता लग जाए ईमान गवाही दे के मेरा इंज दा किरदार बन गया वाकई अल्लाह मैनू जहन्नम तो आजाद कर दे। असल कामयाबी है असल रमजान की कदर उन्हें जानी है जेड़े बंदे दा यकीन बन गया कि वाकई मैं इतने अमाल कर ले ने इतनिया नमाज़ इतने जनाब कयाम इतना कुरान दी तलावत इतने सदका तो खिरात कीते ने कि अल्लाह ताला मैनू माफ कर देगा बाकी बख्शिश तो उहदे कोल है। छोटियां नाल माफ कर दे वड्डियां वड्डियां नाल ना माफ करे उहदियां ताकतां उहदियां कुदरतां उहदियां मेहरबानियां ने लेकिन कम से कम बंदा तैयारी करे कि मैं जहन्नम कोल बचना है। वक्त नहीं पूरा करना अपने आप ते रमजान नू बोझ समझना। जे बंदा तरावियां नूं भी बोझ समझदा है तो फिर उन्हें रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन वबिल इस्लाम दीन दीने इस्लाम ते कादा राजी हो परेशान ही होया महीना अल्लाह ताला ने फिर खलोन वाला भी दे दिता मैं तुहाडे ते फर्ज नहीं करदा पिया। लेकिन यार गल वे मुहब्बतदारी की गल तो यही होंगी है ना प्यार दियां गल्लां तो यही होंदियां ने आखन वाला थोड़ी जी गल आके ते मनन वाला मन के दस छड़े मन दे अंदर कसर ना छड़े मन मन के दसे ना प्यार करके दसे ना वफादारी करके दसे ना ए लगा जांदा रब दा परौना है फिर इन्हें किस्मत नाली आउना है। लगा जांदा रब दा परौना है फिर इन्हें किस्मत नाली आउना है की जिंदगी ने इंसान दिया वावा रौन कमाए रमजान दिया दिल मोमना दे पुर नूर होए विच खुशियां दे मसरूर होए आ दिल मोमना दे पुर नूर होए विच खुशियां दे मसरूर होए क्यों रज सुना गया है ता कुरान दिया सौंजो 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 आ तरावियां दियां गल्लां जो होंडियां बोलो ते सही अल्लाह तुहाडे ते राजी होए कहो सुभान अल्लाह। एक बार खिच के कहो मैं हुण तुहाडा नां लै लै के तुहानू दसां कि तुसीं नहीं पे बोलदे अल्लाह 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 सोची पिया ते सोची पैन की जरूरत की है जो रमजान जो जाता पिया तुहानू जान की की लोड़ है। आ दिल मोमना दे पुर नूर होए विच खुशियां दे मसरूर होए क्यों रज सुनांगे आयतां कुरान दियां वावा रौन कमाए रमजान दिया इस अल्लाह दे मेहमान दिया ओ किधरे शहरी किधरे अफतारी हर पासे जन्नत तैयारी किधरे सारी किधरे अफतारी हर पासे जन्नत तैयारी रहमत रब दिया ठाठा मार दिया वावा रौन कमाए रमजान दिया इस अल्लाह दे मेहमान दिया रख ल रोजे कर ले कयाम तू रज रज के पढ़ ले कुरान तू रख ल रोजे कर ले कयाम तू रज रज के पढ़ ले कुरान तू रावां खुलियां नी जन्नत जान दियां
वावा रौन कमा है रमजान दिया इस अल्लाह दे मेहमान दिया हुंदिया रब दी तरफो मुनादी है ओए हुंदी रब दी तरफो मुनादी है ले लो जहन्नम वल्लो आजादी है रुता आया ने रब नू मनां दिया वावा रौन कमा है रमजान दिया अल्लाह अल्लाह रज़ी तो बिल्लाह रब्बन वाबिल इस्लाम दीन दीने इस्लाम दे अकामात नु मन के बंदा राधी ते खुश होवे अल्लाह अल्लाह वाबे मुहम्मद नबिया आमिना दे लाल अली सलातो सलाम नु अपना राहबर ते रहनुमा अल्लाह दा नबी मनिया ते मन के राधी हो गया वे अल्लाह अल्लाह इहदा अंदाज़ की हर मामले दे अंदर हर कम दे अंदर नबी अली सलातो सलाम दी ताबेदारी ते फरमा बरदारी करदे और करके बड़ा राधी ते खुश हो जांदा हज़रात तवज्जो फरमाइए ए कलिमात अमली तौर पर भी साबित करने और इन्हों कलिमात को अपनी जबान के अंदरों भी अदा करना है अल्लाह अल्लाह जिहड़ा बंदा इन्हों कलिमात को मान लेंदा है कुरान आंदा अल्लाह ताला दे फरिश्ते उहदे ते नाज़िल हुंदे ने अल्लाह दे फरिश्ते उहदी मदद वास्ते नाज़िल हुंदे उहनूं बशारता देंदे खुशखबरियां देंदे वला अल्लाह तहज़ानु उहदे गम भी दूर ने उहदियां परेशानियां भी दूर ने अमली तौर पर अपने रब दे नाल जुड़ गया दीन इस्लाम नाल जुड़ गया आमिना दिलाल अली सलाम नूं अपना राहबर ते रहनुमा मान लिया आई हज़रात गौर फरमाइए मेरे तेरे पीरो मुर्शिद इमाम उल अंबिया जनाबे मुहम्मद कलेमात मैं तुहाडे सामने इतना खुतबा जिहड़ा बयान किया है ए कलेमात बयान करन वास्ते तुहाडे सामने बयान किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी हज़रत अबू मुनाज़र रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं और अफरीका के इलाके के रहने वाले मेरे पैगंबर सलाम के सहाबी ने हसन दर्जे की रवायत तिबरानी के अंदर और तरगीब तरहीब के अंदर भी यह रवायत मौजूद है अल्लाह के पैगंबर सलाम के सहाबी की आते हैं आते ने समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु कलिमात नु पढ़दा रज़ी तो बिल्लाही रब्बन व बिल इस्लाम दीन अल व बे मुहम्मद नबी अल्लाह दे पैगंबर दे सहाबी की आंदे ने फ अन दईमो गारंटी हो गई है मैं तुहानू गारंटी देना अल्लाह दे नबी जी की गारंटी दे रहे हो फरमाया जिहड़ा बंदा ये कलिमात कहण वाला पढ़न वाला दिल दे नाल इन्हां कलिमात दे मानियां नूं समझ के पढ़दा है नबी सलातो सलाम फरमाते ने ला आखोजन्ना पे या देही कि अम्मत दा दिन होएगा कैसा प्यारा मंजर होएगा डसके दे बासिया तेरा तेरा बाजू होएगा आमना दे लाल दा हाथ होएगा अल्लाह दे पैगंबर ने तेरा हाथ फड़िया होएगा कितने नसीबां दी गल है जे सानू नबी पाक दी जियारत ही मिल जाए सोने पैगंबर दा दीदार ही मिल जाए लेकिन इत्थे नबी पाक ने कितने बड़े कलिमात फरमा दीते अगर तेरा ईमान बेदार है तू मौजूद है तो सुन ले अल्लाह दे पैगंबर फरमाते ने फअनज़ईमु मैं तुहानू जुबान गारंटी दे रहा वा गारंटर मैं तुहाडा इस बात दा ला आखोजन्ना बे या दे मैं उस बंदे दा हाथ पढ़ लवांगा ते उन्नी देर तक ओदा हाथ नहीं छड्डांगा हत्ता उदखिला उल जन्ना जिन्नी देर तक मैं उन्नू जन्नत दे अंदर दाखल नहीं करवा देवांगा जगां दे पीर रब दे हबीब अली सलाम दे सियाबी सैयदना हजरत अबू सलाम सब कह दियो रज़ी अल्लाह तआला बयान करदे रे आंदे रे अन्नहु काना फी मस्जिद हिमसा मैं हिमस दी मस्जिद दे अंदर बैठा आया वा फमर्रा राजुलन एक बंदा गुजरिया फकालू ते लोग आंदे ने जानदे ए बंदा कौन है कहंदे ने मैं क्या मैं नहीं जानदा ए कौन है आंदे ने हादा खादिमु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए अल्लाह दे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा खादिम है
مقام علی تے حضرت ابو سلام آمدے نے میں اٹھ کے اودے وال چل پیا ماں خادم رسول آئے نے ذرا انہاں دے نال ملاقات کر لئیے زیارت کر لئیے کوئی گل بات ہی کر لئیے کوئی فائدہ ہی حاصل کر لئیے حضرات اسی دنیا داری دے معاملات دے اندر آنے ایتھوں لذت ملی ہے راحت ملی ہے سکون ملنا چلو ذرا ذرا تھوڑی دیر واسطے مزہ لے ہس کھیڈ آئیے کدی اسی یہ نہیں آخیا یار کوئی عالم دین اللہ دا ولی آیا کوئی گل ہی سیکھ لئیے کوئی دین دی بات ہی پوچھ لی کوئی حدیث ہی سن لئیے حضرت ابو سلام اٹھے نے جا کے آمدے نے اللہ دے نبی دے خادم جی جی اللہ دے پیغمبر دا خادم تسی نبی پاک دیا خدمت کیتی ہے میرا جی کردا میں تواڈے کول ایک حدیث سننا چاہنا لیکن حدیث او سنایا جے سرت اے وے جڑی حدیث تسا اپنے کناں دے نال امام کائنات دی زبان آپ سنیے او حدیث بیان نہ کریا جے جڑی حدیث دے اندر تواڈے تے نبی پاک دے درمیان دے اندر کوئی وسیلہ ہوے کوئی واسطہ ہوے اللہ دے پیغمبر کولو ڈائریکٹ جڑے الفاظ سنے او بیان کریا جے اللہ دے پیغمبر دے خادم کی آندے نے ہاں ہاں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو سنیا ہے من قال اذا اصبح و اذا امسا نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ دی گز تینا چوں کتاباں دے اندر بلکہ زیادہ کتاباں دے اندر اے روایت ترمذی دے اندر ابن ماجہ دے اندر مسند احمد دے اندر الفاظ دا فرق ہے صحیح مسلم دے اندر بھی الفاظ دا فرق ہے میں تھوڑے تھوڑے کر کے سارے بیان کرنا چاہنا اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مسلم دی حدیث ادھر نال ملائی جائے تے صبح دے شام دے ویلیاں دے اندر جڑا بندہ تین دفعہ کہندا مسند احمد بھی ملائیے صحیح مسلم بھی ملائیے اور سنن ترمذی بھی ملائیے تے تینا کتاباں دی حدیث اکٹھی ہو گئی ہے اللہ دے پیغمبر دے صحابی خادم رسول ہم دے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اینا یمسی و اینا یصبح ثلاث مرات جڑا بندہ اینا کلمات نو صبح تے شام دے ویلیاں دے اندر تین تین دفعہ پڑھنے والا تین تین دفعہ پڑھنے والا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے الفاظ بیان فرمائے فرمایا رضینا باللہ ربن و بالاسلام دین و بمحمد الرسول محدثین نے کئی روایات دے اندر محمد النبی کتے محمد الرسول یہ الفاظ آئے نے محدثین نے فرمائے اگر زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہندے ہو محمد النبی و رسول تسی کہہ لو تاکہ دوے کلمات جڑے نے ادا ہو جان اللہ دے پیغمبر علیہ السلام مسلم دے اندر روایت دے الفاظ کی نے واجبت لہ الجنۃ اے تین دفعہ کلمات کہن والے بندے تے اللہ تعالی جنت نو واجب کر دیندے نے او دے کول اعمال ہی اللہ سے کروا دیندے نے کہ او دے تے جنت واجب ہو جاندی ہے اور دوسری روایت ہے ڈسکے دے باسیو پریشان رہندے جے غم زدہ رہندے جے دکھی رہندے جے حالات دے ستائے ہوئے جے گلے شکوے کر دے رہندے جے سنو کلمات اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا سیدنا حضرت انس بیان کر دے نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اللہ دے پیغمبر فرماندے جڑا صبح تے شام دے ویلے دے اندر اے کلمات نو تین تین دفعہ ادا کر لیندا ہے فرمایا الا کان حق اللہ ان یرضیہ اس بندے دا اللہ تے حق ہو جاندا ہے اللہ دنیا آخرت دے اندر اس بندے نو راضی فرما دین دنیا دے معاملات دے اندر بندہ پریشان ہے اللہ اینا عطا کریں گے بندہ راضی ہو جائے گا سواری دی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس طرح دی عطا کریں گے بندہ راضی ہو جائے گا اللہ اللہ دنیا دے معاملات دے اندر بھی بندہ راضی قبر دے اندر بھی بندہ راضی میدان محشر دے اندر رب دی رحمت تے بندہ راضی اللہ دے پیغمبر دی شفاعت تے بندہ راضی سونے پیغمبر دے ہاتھ دے اندر بازو پڑا کے بندہ راضی اللہ دے پیغمبر نال لے کے جنت دے اندر پہنچا دین گے تے بندہ راضی نہیں تہانوں کیڑی لوڑ ایڈی جنت چ جان دی سبحان اللہ جان دے جے جویں ایتھے اے چلو اللہ تہانوں مفت آٹا دے کہو ہن آمین اللہ اللہ ایتھے وی دی تسی بول دے اوتھے وی نہیں تسی بول دے پتہ نہیں کتھے بولو گے آخری حدیث تے نماز پڑھیے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال حين يسمع المؤذن جڑا بندہ مؤذن دی اذان سندا مؤذن دی اذان سنن تو بعد جڑا بندہ جدو اذان مک گئی اذان دا جواب دیندا جا رہا ہے اذان دا جواب کیویں دینا لمبی گل ہے لیکن مختصر اے وے اذان مک گئی ہے لا الہ جنہاں نو اوندی ہے کئی تے بندے اوندے نے حضرت صاحب تسی یہ دے لو سانو شرم اوندی مولوی بشرم لبیا دا تھانو ہے جڑا اذانہ بھی دے تواڈیاں کناں چ بھی دے تواڈے بچیاں دے کناں چ بھی دے ساری شرما ایدیاں لتیاں ہوئیاں نے مولوی صاحب تے باقی تواڈے ادیاں نے بولنا تے ادیاں نوں نہیں آندی
ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਆਨਾ ਅਸ਼ਹਾਦੂ ਅਨਾ ਅਸ਼ਹਾਦੂ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾਹ ਵਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਹ ਵ ਅਨਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਅਬਦੁਹੁ ਵ ਰਸੂਲੁ ਰਜ਼ੀਤੁ ਬਿੱਲਾਹ ਰੱਬਨ ਵ ਬਿਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀਨਨ ਵ ਬੇ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਨਬੀਆ ਵ ਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਾ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲਿਮਾਤ ਕਹਿ ਲਵੇ ਇਹ ਕਲਿਮਾਤ ਇਤਨੇ ਕਲਿਮਾਤ ਫਰਮਾਏ ਨੇ। ਨਬੀ ਲਾ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਫਰ ਅੱਲਾਹ ਲਹੂ ਜ਼ੁਨੂਬਹੂ। ਇੰਨੇ ਕਲਿਮਾਤ ਕਹਿਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਰਜ਼ੀਤੁ ਬਿੱਲਾਹਿ ਰੱਬਨ ਵ ਬਿਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀਨਨ ਬਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀਯਮ ਵ ਰਸੂਲਾ। ਇਹ ਕਲਿਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਲਈਏ। ਰਜ਼ੀਤੁ ਬਿੱਲਾਹਿ ਰੱਬਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੜ੍ਹੋ ਪੜ੍ਹੋ, ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ, ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਜ਼ੀਤੁ ਬਿੱਲਾਹਿ ਰੱਬਨ, ਉਹ ਸਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਰਜ਼ੀਤੁ ਬਿੱਲਾਹਿ ਰੱਬਨ ਵਬਿਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀਨਨ ਵਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀਯਮ ਵ ਰਸੂਲਾ। ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਪ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਆਸਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਵੀ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਸੁਣਾਇਆ ਸਹੀ ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਵਾਖਰੁ ਦਾਵਾ ਯਾਨੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ।